भाई लोग आज का जो गेम प्ले होगा ना भाई, इस गेम प्ले में मतलब इतना इंटेंस फाइट होने वाला ना भाई। स्टार्टिंग में जो फाइट होगा ना वो देख के तो आप लाइक कर ही दोगे, लेकिन भाई एंड तक जरूर से देखना। और आज की ये वाला जो गेम प्ले होगा ना भाई, इसमें दो बंदे के साथ ऐसा फाइट होगा ना भाई, जो देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करोगे, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी मेरा डिवाइस यहाँ पर लैग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इस कैंपर को देखो भाई, अगर मैं बिना देखे अगर आता ना शायद से यहाँ पर मेरी पेटी बनता, लेकिन यहाँ पर सामने साइड एक बंदा होगा जिसको इतना गंदा मैं उतारूंगा ना भाई। देखो अगर आपको ये वाला स्प्रे अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना, लेकिन यहाँ पर सामने साइड जो वॉच टावर से होता है ना, इसके पीछे एक बंदा होता है, इसके साथ अभी जो ओपन में जाके मैं मारूंगा ना भाई। देखो आप बताओ भाई, ये वाला किल आपको अच्छा लगा कि नहीं भाई। लेकिन अभी और एक बंदे के साथ जो मेरी फाइट होगा ना भाई, ये वाला बंदे के साथ जो फाइट होता है ना भाई, देखना। अब जैसे ये वाला बंदा मेरे को मारने के लिए स्प्रे लिया ना, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी थोड़ी सी यहाँ पर स्प्रे टेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उल्टा सीन मेरे साथ होगा। अब यहाँ पर मैं स्प्रे टेस्ट तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैं भूल गया था कि यहाँ पर मैं जोन के बाहर हूँ, लेकिन ये वाला बंदा क्या गंदा डैमेज देता है। देखो अब डैमेज को तो छोड़ो भाई, यहाँ पर मेरा जो गाड़ी होता है ना उसका टायर भी यहाँ पर पंचर कर दिया था, यहाँ पर मेरे को जोन के अंदर जाना भी होता है। अब मेरे पास कोई गाड़ी था नहीं है, यहाँ पर ये वाला गाड़ी लेके अगर जोन के लिए मैं जाऊंगा तो भाई पेटी तो मेरा बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर पहले गाड़ी को छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास कोई गाड़ी था नहीं, यहाँ पर मैं जोन के बाहर फंस भी जाता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर जो सरवाइव करूंगा ये वाला बंदे के साथ जो मेरी फाइट होगा ना भाई, ये वाला फाइट अगर आपको थोड़ी सी भी अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब जैसे तैसे मैं जोन के अंदर आ तो गया था, लेकिन यहाँ पर मेरे को डर लग रहा था कि यहाँ पर राइट साइड अगर कोई बंदा हुआ ना तो भाई मेरी पेटी तो बनेगा, लेकिन अभी के लिए वाले भाई के साथ फाइट तो लेना बनता है। अब जो मैंने यहाँ पर सरवाइव किया ना भाई, इसके लिए लाइक तो बनता है, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब ये वाला बंदे को मारने के बाद ना यहाँ पर टोटल मेरा 7 किल भी हो गए थे, यहाँ पर सिर्फ 2 बंदा बच रहा था, जिसमें से यहाँ पर दोनों बंदा मेरे को सामने स्पॉट तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या गलत सीन होता है देखना। अब पता है यहाँ पर गलती मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जोन के अंदर मैं आ गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जल्दीबाजी मैं कर देता हूँ, जिसके कारण यहाँ पर पेटी तो बनता है, लेकिन आज का जो सेकंड वाला गेम प्ले होगा ना भाई, इसमें भी बहुत अच्छा सा फाइट होगा। और अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो भाई मैं आप लोगों को इतना बोलूंगा भाई, जितना हो सके जोन के बाहर सरवाइव करना, स्टार्टिंग में जो भी फाइट होता है ना भाई इसको इग्नोर किया करो, क्योंकि आप सभी को पता है भाई अगर स्टार्टिंग में फाइट लेने के टाइम अगर आपकी पेटी बनेगा ना तो वहां पर बहुत गंदा माइनस लगता है, और ज्यादा माइनस लगने के बाद ना आप लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हो। अब ज्यादा माइनस लगने के बाद आप लोगों को मन ऐसा करता होगा कि भाई मैं रैंक पुश को मैं छोड़ दूं, यहाँ से मैं हट जाऊं, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई, रैंक पुश के टाइम माइनस प्लस तो होते ही रहता है। अगर आपको हर मैच में अच्छा खासा प्लस चाहिए तो भाई मैं आप लोगों को इतना बोलूंगा, जितना हो सके जोन के बाहर जाकर सर्वाइव करना, उसके बाद लास्ट में आके फाइट ले सकते हो। अब यहाँ पर ये वाला भाई को मारने के बाद ना यहाँ पर टोटल मेरा 9 किल हो गए थे, लेकिन यहाँ पर सामने साइड ना भाई 2-3 बंदे के फाइट होता है, यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी करने के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या गंदा सीन होगा देखना। अब सामने साइड 2 बंदे की फाइट हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी कर दूंगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड से जाके ये वाला बंदे को मारूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखना।
अब दो बंदे में से यहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ से निकल भी गया था। यहाँ पर राइट साइड में एक ओम वाला बंदा होता है, जिससे यहाँ पर मेरे को डर तो लग रहा था, लेकिन मैं भी यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। अब जैसे गाड़ी लेके यहाँ पर सामने साइड में आता हूँ ना, तभी यहाँ पर सामने साइड मेरे को एक बंदा या बॉट स्पॉट हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसी किल के चक्कर में भाई मेरी पेटी भी बनेगा। अब सही बोलो तो भाई यहाँ पर मेरे को रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो बंदा होता है ना, यहाँ पर मेरा गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था। यहाँ पर मेरे को जोन के अंदर भी जाना होगा, तो भाई इसीलिए मेरे को गाड़ी तो चाहिए होगा। अब जैसे मेरे को पता चला कि यहाँ पर मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो यहाँ पर मैं ओपन में रश करता हूँ। लेकिन सामने वाले भाई के पास एमके भी होता है, ये वाला भाई के पास कवर था, और आपको पता होगा भाई एमके का क्या गंदा डैमेज भी पड़ता है। अब ये वाला मैच में चिकन तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने किल के साथ अच्छा खासा प्लस निकाल लिया था। अगर आप लोगों को भी अच्छा खासा प्लस चाहिए तो भाई आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।